गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं? बेटा पढ़ाई हो रही है कि नहीं? घर पे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग कर रहे हैं ना? वेरी गुड बेटा, आप लोग घर पे हैं ना, तो घर पे ही पढ़ाई करिए, ठीक है? क्योंकि अभी तो स्कूल खुल नहीं रहा है और बहुत जल्दी खुलने वाला है। तब जल्दी से स्कूल खुलेगा, आप लोग आएंगे तो हम आप लोग से मिलेंगे, ठीक है बेटा? तो तब तक, जब तक स्कूल नहीं खुल रहा है बेटा, तब तक तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग सबसे पहले ये बुक खोल लीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये बुक दिख रही है, दिख रही है ना आपकी स्क्रीन पे ये बुक? ये बुक आप लोग खोल लीजिए अपनी। कौन सी बुक है ये आपकी? ये तो आपकी साइंस की बुक है, ठीक है? ये बुक आप खोल लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो है आज हम इस बुक में रीडिंग करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे। हमने आपको जो है इंसेक्ट्स नेम पढ़ाए थे, पढ़ाया है ना? तो वो जो है हम आज आपकी बुक में भी वो है, और आपको आपकी बुक में जो है उसके पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। ब्लैक बोर्ड पे तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ाते हैं तो हम जो इंसेक्ट होते हैं उनके नेम लिखते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो उसके देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी अच्छी सी फ़ोटो है, देखिए। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग अपनी बुक को खोलते हैं, ठीक है? ये देखिए आपकी बुक खुल गई है, मेरी तो खुल गई, आप लोगों ने नहीं खोला? खोल लीजिए। देखिए हमारा फिफ्थ चैप्टर है कॉमन इंसेक्ट्स, ठीक है? क्या है? कॉमन इंसेक्ट्स। तो इसमें सबसे पहले क्या है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स के नेम दिए गए हैं, ठीक है? तो आज चल रहे हैं हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले क्या है बेटा, देखिए सबसे पहले है ये क्या, ए एन टी आंट। आंट मीन्स क्या होता है? चींटी। चींटी देखिए ना आपके घरों में होती है, छोटी भी होती है और एक बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चींटा, बोलते हैं ना, ब्लैक कलर का होता है, बड़ा सा होता है। वो क्या करता है? वो काट लेता है हम लोग को, कभी कभी काटता है ना। तो ये क्या है बेटा, ये वाला, ये है चींटी। ये हमारे घरों में पाई जाती है, कभी कभी देखते हैं फर्श पे नीचे, छोटी छोटी होती है और चलती रहती है ना, आप सभी ने देखा होगा चींटी। ये देखिए, ये रेड कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है ना। देखिए ये यहाँ पे देखिए इस चींटी को, ये ब्लैक और रेड दोनों कलर में है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ, मॉस्किटो। मॉस्किटो में क्या होता है? मच्छर। मच्छर काटता है ना गर्मी में, अभी इस टाइम भी तो काटते हैं मच्छर, शाम जब होती है तब मच्छर हम लोग को काटते हैं ना, तो वो क्या होते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलेंगे? मॉस्किटो, ठीक है? क्या बोलेंगे? मॉस्किटो। इसके बाद ये आपका, ये देखिए ये है मॉस्किटो, देखिए ये इतना बड़ा सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जी आर ए डबल एस एच ओ डबल पी ई आर, ग्रेसपर। इसके मीन्स क्या होता है? टिड्डी। ग्रेसपर मीन्स टिड्डी, ठीक है? देखें है ना इसको, देखें कि नहीं देखें? ये देखिए ग्रीन कलर का, देखिए इसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर का, ये पैरेट कलर में दिख रहा है ना आपको, ये जो है ये उछलता रहता है, जब भी देखेंगे आप तो ये जब लाइट जलती है तो आता है, ठीक है? ये लगभग कभी कभी जैसे बारिश के सीज़न में घरों में देखने को मिलता है, ठीक है? और नहीं तो ये खेतों में भी होता है, खेत में कभी आप जाएंगे तो ये देखिए ढेर सारे रहते हैं और वहाँ पे ये उड़ते रहते हैं, ठीक है? और पता है ये जो फसल, जो हम लोग के खेत में गेहूँ सॉरी धान होता है, उसको ये खा जाते हैं, ठीक है? ये क्या है? इंसेक्ट्स हैं, ठीक है? इसके बाद क्या है, एच ओ एन ई वाई बी डबल ई, ठीक है? देखिए इसको हम दो पार्ट से पढ़ेंगे। सबसे पहले एच ओ एन ई वाई हनी। हनी मीन्स क्या होता है? शहद। हनी मीन्स शहद। और बी डबल ई बी, बी मीन्स मक्खी, ठीक है? इसको साथ में हम पढ़ेंगे मधु मक्खी, ठीक है? क्योंकि शहद को मधु भी बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो ये हो गई हनी बी मीन्स मधुमक्खी। ये कहाँ रहती बेटा? ये आप देखेंगे कि तो कभी ये जो है अपने छत्ते बनाती है। कहाँ बनाती है? जैसे पेड़ पे हुआ, और कहीं बहुत घना जंगल होता है जहाँ पे ढेर सारे पेड़ उड़ होते हैं, तो उस पर ये अपना छत्ता बना लेती हैं, और उसके बाद ये वह उसमें ढेर सारी रहती हैं, और ये फूलों से रस इकट्ठा कर करके जो है बना लेती हैं, उसमें शहद इकट्ठा कर लेती हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया,
हनी बी, ये जो वो हनी होता है ये इकट्ठा करती, इसलिए इनको हनी बी बोलते हैं, मीन्स मधुमक्खी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स तितली। अभी आते तितली देखे होंगे आप लोग, अब देखिए ये सीजन चल रहा है ना, तो आपको उड़ती हुई तितलियाँ दिखती होंगी, ठीक है। वो क्या करती हैं तितलियाँ, जहाँ पे देखिए पौधे होते हैं, फूल होते हैं, वहाँ पे तितलियाँ ढेर सारी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई मीन्स क्या होता है, तितली। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू ए एस पी वास्प, मीन्स क्या होता है, हड्डा। क्या बोलेंगे इसको, हड्डा, ठीक है। ये देखिए ये क्या करता है, ये भी इंसेक्ट है, ये क्या करता है, काट लेता है हम लोग को, ठीक है। ये काटता है ना, ये हड्डा जो होता है ये काट लेता है, फिर वहाँ पे क्या है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टी ई आर एम आई टी ई टर्माइट, क्या टर्माइट, टर्माइट मीन्स क्या होता है, दीमक, टर्माइट मीन्स दीमक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, एल ए डी वाई लेडी बी आई आर डी बर्ड, ठीक है। क्या हुआ, लेडी बर्ड, लेडी बर्ड मीन्स क्या होता है, लेडी बर्ड मीन्स होता है, देखिए ही नहीं कभी इसको, लेडी बर्ड देखे हैं आप लोग, लेडी बर्ड मीन्स होता है गुबरेला, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, देखिए कहीं पे जहाँ गंदगी होती है तो ये उसको अपने उस पे उसको गोल गोल करके लेके भागता रहता है इधर उधर, ठीक है। ये क्या होता है, गुबरेला, लेडी बर्ड, एल ए डी वाई बी आई आर डी लेडी बर्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सी ओ सी के आर ओ ए सी एच, कॉकरोच। कॉकरोच मीन्स तिलचट्टा, कॉकरोच मीन्स तिलचट्टा। कॉकरोच देखे हैं, देखिए बेटा जहाँ घर में कहीं गंदगी होती है, कहीं कूड़ा कचरा होता है, वहाँ पे ये कॉकरोच ढेर सारा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को अपने घर में जहाँ हम रहते हैं कहीं भी हमको कहीं गंदगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नहीं तो ये ढेर सारा कॉकरोच आ जाएगा ना, और कॉकरोच से तो सबको डर लगता है, हमको तो बहुत डर लगता है, आप लोगों को भी डर लगता है ना। ये है कॉकरोच, कॉकरोच मीन्स क्या होता है, तिलचट्टा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एच ओ यू एस ई हाउस एफ एल वाई फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मीन्स क्या होता है, घरेलू मक्खी। हाउस मीन्स घर होता है, फ्लाई इसलिए जैसे ये घरों में रहती ना, नॉर्मली देखिए इस पिक्चर को देखिए, ये मक्खी आपको जैसे कभी अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी भी ये घरों में रहती है, ठीक है। जब इसलिए हम लोग को कभी जैसे खाने की कोई चीज़ है तो उसको हम खुला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो ये मक्खी जो है उस पर बैठ के उसको ख़राब कर देती है, ठीक है। तो हाउस फ्लाई मीन्स क्या हो गया, घरेलू मक्खी, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, कॉमन इंसेक्ट्स, क्या पढ़ा, कॉमन इंसेक्ट्स। अब हम जो है इसका इसकी जो है एक्सरसाइज जो है आप नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग जैसे हमने आज पढ़ाया है ऐसे ही आप लोग इसको घर पे 2-3 बार इसका रिवीजन करिएगा, और कॉपी में तो कल हमने करवाया था तो जो है उसको कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक बेटा। तो आज के लिए साइंस में इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बेटा।